दोस्तों दिल्ली में धीरे धीरे पानी का जो लेवल है वो कम होना शुरू हुआ है। रियासी इलाकों में जो पानी फंसा है, जो इस वक्त भी स्थिति है, वो थोड़ा कम तो हो रहा है लेकिन राहत नहीं मिल रही। मैं इस वक्त दिल्ली की जो रिंग रोड है वहाँ पर हूँ। आप देख सकते हैं कितना पानी यहाँ पर है। आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी निकल रही है। गाड़ी के लगभग जो पहिया है वो बिल्कुल पानी में चल रहे हैं और इसी वजह से बड़ी संख्या में जो वाहन है वो ख़राब हो रहे हैं। आप देखें किस तरह से धक्का मार कर निकालने पड़ रहे हैं क्योंकि इंजन में पानी चला जाता है। अगर आपकी गाड़ी में आधे पहिए से ज़्यादा पानी आता है तो गाड़ी को खतरा हो सकता है। यही बात टू व्हीलर के साथ है। लेकिन पानी काफ़ी गहरा है लेकिन बड़ी संख्या में जो व्हीकल है उनको निकालना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर जो है पानी ठस है। हालाँकि पानी निकालने के प्रयास लगातार जारी हैं। कई जो ट्रैक्टर है यहाँ पर लगे हुए हैं जो नॉन स्टॉप सुबह 10 बजे से अब तक लगातार कंटिन्यू चल रहे हैं। जो पानी है इसको निकाला जा रहा है लेकिन क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है इसलिए जो है इसका जो असर है काफ़ी देर बाद देखने को मिलेगा। आप दोनों तरफ रिंग रोड के दूसरी तरफ भी आप देखेंगे कि इसी तरह से पानी आपको वहाँ पर मिलेगा और इस तरफ भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कई जो वाहन हैं वो ख़राब हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कई गाड़ी हैं वो वहाँ पर आपको ख़राब हुई दिखाई देगी। लेकिन जो पानी है क्योंकि वो निकलना पड़ रहा है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मजबूरन जो व्हीकल जो ड्राइवर्स हैं वो बेचारे किसी तरह से निकाल रहे हैं। लेकिन क्योंकि कई गाड़ी ख़राब हो चुकी हैं लेकिन उसके बाद भी गाड़ी आप देख सकते हैं उधर जो गाड़ी है वो किस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना पानी इस वक्त यहाँ पर है। और इधर आप देखेंगे तो नॉन स्टॉप जो है कई ट्रैक्टर आपको चलते हुए दिखाई देंगे जो यहाँ से पानी निकाल रहे हैं। ये रिंग रोड से जो पानी निकालने का जो प्रोसेस है वो लगातार जारी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अपने कैमरा शिव गहरी से कहूँगा कि इधर आए और यहाँ से जो है पिक्चर थोड़ा क्लियर दिखाई देगी और महसूस होगा कि कितना इस समय जल भराव यहाँ पर है। और ये नॉन स्टॉप जो यहाँ पर जो ट्रैक्टर हैं वो चल रहे हैं यहाँ पर और इसका जो पानी है उधर जो है नाले में डाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कितना गहरा। आप देख सकते हैं ऑटो कितना डूबा हुआ है, मतलब पूरा पहिया वहाँ पर पानी में डूब रहा था। इस जो ऑटो की हालत होगी आप समझ सकते हैं कि क्या हालत होगी। इसको जो है ख़राब होने के पूरे पूरे चांसेस हैं और ऐसा पूरा हर मतलब व्हीकल के साथ है जो यहाँ से मजबूरी में गुजर रहे हैं। तो आज भी जो है रिंग रोड पर जो है पानी जो है काफ़ी भरा हुआ है जिसको निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये ट्रैक्टर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है पानी निकाल रहे हैं और दूसरी साइड में जो है पानी डाला जा रहा है। आप भी इधर से गुजर रहे थे, क्या नाम आपका? काले। काले क्या कर रहे हो आप यहाँ? ट्रैक्टर चला रहे हैं सर। ये आप ही चला रहे हो? हाँ। कब से चला रहे हो? आज सुबह से चलाया, कल भी चलाया था। कल भी चलाया था? कल भी चलाया था। अच्छा, तो ये कोशिश है इन लोगों की कि जल्दी से जल्दी यहाँ से पानी निकाला जाए लेकिन क्योंकि पानी ट्रैक्टर चल रहा है काम निकल जाएगा जल्दी हो जाएगा। चार चार ट्रैक्टर चल रहे हैं, पाँच पाँच चल रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से कुछ ऑटो वाले जो है इस पानी का इस्तेमाल अपने ऑटो धोने में भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो पानी है उससे अपनी ऑटो धो भी रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर जो ऑटो है या फिर गाड़ी वाले हैं वो बेचारे बड़े परेशान हो रहे हैं। कई जो व्हीकल्स हैं वो ख़राब हो चुके हैं लेकिन कोशिश है कि इसको निकाल दिया जाए। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा जो ट्रक है वो भी उसके भी जो टायर हैं यहाँ पर जो है आपको डूबे हुए नज़र आएंगे। आप इधर से देखेंगे तो दिखाई देगा कि किस तरह से ट्रक जो है निकल रहा है। जो छोटे व्हीकल्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो रहा है, ख़राब हो रहे हैं वाहन जो वाहन हैं। कोशिश है कि जल्दी ये जो पानी है वो जल्दी ही निकल जाएगा और जो फिर से जो रिंग रोड है वो जो है लोगों के लिए आने जाने के लिए सुगम होगी। क्योंकि ये जो रिंग रोड है वो बहुत महत्वपूर्ण है दिल्ली के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और तमाम जो हरियाणा के वाहन भी हैं ये वहाँ यहाँ से गुजरते हैं। तो इस पर पानी घुसा होना जो है बहुत ही गलत है, ख़तरनाक है और नुकसानदेह हो सकता है। तो दोस्तों ये थी दिल्ली में जो है पानी के भराव की समस्या का अपडेट जिसको धीरे धीरे ठीक किया जा रहा है। नमस्कार।